Subscribe now to receive new updates every day. पापा शाहरुख खान के साथ IPL मैच देखने पहुंची बेटी सुहाना, हर बॉल पर बदला अंदाज। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच IPL का तीसरा मैच खेला गया। इस मैच का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान। कोलकाता के को ओनर शाहरुख यहां टीम के पहले मैच में चीयर करने पहुंचे थे, जहां उनकी 18 साल की बेटी साथ रही। सुहाना कैमरे पर तब नजर आई जब बेंगलुरु के ब्रेंडन मैकुलम ने तूफानी अंदाज में पारी की शुरुआत की थी। इसके बाद कोलकाता की जीत पर सुहाना झूम उठी और पापा शाहरुख को गले लगा लिया। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB को 4 विकेट से हराया। 177 रनों के टारगेट को KKR ने 19वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इसके साथ ही KKR ने IPL में RCB को लगातार तीसरे मैच में हरा दिया। 2017 सीजन में भी KKR ने RCB को दोनों लीग मैचों में मात दी थी। KKR के कप्तान दिनेश कार्तिक 35 और विनय कुमार 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर सुनील नारायण ने 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 17 गेंदों पर फिफ्टी लगाई। क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इससे पहले टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए। नीतीश राणा ने लगातार 2 गेंदों पर डिविलियर्स और कोहली के विकेट लिए। RCB की तरफ से मैकुलम ने 43, डिविलियर्स ने 44 और मनदीप सिंह ने 37 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली 33 गेंद पर 31 रन ही बना सके। KKR के नीतीश राणा ने लगातार 2 गेंदों पर डिविलियर्स और कोहली के विकेट लिए। KKR के विनय कुमार, नीतीश राणा ने 2 से 2 और पीयूष चावला, सुनील नारायण और मिचेल जॉनसन ने 1 से 1 विकेट लिए। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट।